guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Through the Looking Glass by Lewis Carroll. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रू द लुकिंग ग्लास के बारे में जिसको लिखा है लेविस कैरोल ने एंड विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट समरी ऑफ दिस नॉवल इन हिंदी. गाइज देखो इस वीडियो से पहले मतलब आज इस वीडियो में हम इस नॉवल की समरी डिस्कस करने वाले हैं लेकिन इससे पहले मैंने इस नॉवल की एक और वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू द ऑथर लेविस कैरोल साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू दिस प्ले सॉरी इंट्रोडक्शन टू दिस नॉवल थ्रू द लुकिंग ग्लास. देखो जो ये नॉवल है ना थ्रू द लुकिंग ग्लास ये एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड एक नॉवल थी उसका सीक्वल था. तो इन दोनों नॉवल्स में क्या क्या डिफरेंसेस थे वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी. मतलब इस नॉवल का इंट्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किया था साथ ही साथ हमने कैरेक्टर लिस्ट भी डिस्कस की थी बिकॉज इस नॉवल में कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं. आप लोगों को कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग ये नॉवल समझ रहे हो बहुत कैरेक्टर्स हैं इसमें. सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे समरी ऑफ दिस नॉवल इन हिंदी. तो देखो गाइस ये किस तरीके से स्टार्ट होती है. दिस नॉवल स्टार्ट्स विद एलिस अपीयरेंस. ये नॉवल स्टार्ट होती है एलिस की अपीयरेंस के साथ. मतलब जब ये नॉवल स्टार्ट होती है सबसे पहले हम किससे मिलते हैं प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं इस प्ले की और वो कौन है एलिस. तो एलिस की अपीयरेंस के साथ इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है. शी सिट्स इन हर आर्म चेयर एट होम वेटचिंग हर पेट किटी प्लेज विद अ बॉल. तो देखो जो एलिस है वो अपने घर में बैठी होती है अपने रूम में बैठी होती है आर्म चेयर पर और वो अपनी पैट किटी को देखती है जो कि एक बॉल के साथ खेल रही थी. देन जो एलिस होती है शी स्नेचेस किटी अप एंड टेल्स हर अबाउट द लुकिंग ग्लास हाउस एंड इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज बैकवर्ड. तो देखो गाइस एलिस अपनी आर्म चेयर में बैठकर आराम से किटी को देख रही होती है. उसके बाद वो क्या ना किटी को अपनी गोद में ऐसे उठा लेती है अब ऊपर की तरफ उठा लेती है उसे और उसे बताना शुरू करती है लुकिंग ग्लास वर्ल्ड के बारे में कि जैसे ये मिरर है इस मिरर के अपोजिट साइड किस तरीके का वर्ल्ड है वो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर एलिस किटी को. और वो क्या कहते हैं लुकिंग ग्लास वर्ल्ड जो है लुकिंग ग्लास हाउस जो है वो पूरा इमेजिनरी हाउस है इमेजिनरी वर्ल्ड है जहाँ पर हर चीज़ बैकवर्ड मतलब अपोजिट होती है मिरर के बाहर वाली जो साइड होती है उसके. मतलब मिरर के अंदर जो चीज़ें हैं मिरर के अपोजिट साइड जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ मिरर के बाहर की साइड के अपोजिट हैं. And guys, Alice suddenly finds herself on the other side of the mirror, where she discovers a room. So guys, देखो अचानक से किटी को बताते बताते जो एलिस है वो पाती है कि वो मिरर के अपोजिट साइड के एक रूम में पहुंच गई है जहां पर उसे एक रूम मिलता. मतलब मिरर के अपोजिट साइड के वर्ल्ड में एलिस पहुंच जाती है किटी को अपोजिट वर्ल्ड के बारे में बताते बताते लुकिंग ग्लास वर्ल्ड के बारे में बताती है ना यहां पर किटी को एलिस. तो उसको बताते बताते ही वो लुकिंग ग्लास वर्ल्ड में पहुंच जाती है और वहां पर उसे क्या मिलता है एक रूम मिलता है बिल्कुल उसके ही रूम के जैसा एक रूम है उसी साइज का. देयर शी फाइंड्स सम डिफरेंसेस. उस रूम में एलिस को कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं. क्या डिफरेंसेस दिखते हैं ऑब्वियसली डिफरेंसेस जो है वो वही है कि इस वर्ल्ड के अपोजिट चीजें. सो चेसमैन ऑब्लिवियस टू एलिस अपीयरेंस. जो चेसमैन है मतलब मिरर के अपोजिट वर्ल्ड की बात यहाँ से स्टार्ट हो गई है कि मतलब एलिस जो है वो मिरर वर्ल्ड में पहुंच चुकी है वहां की बातें हम डिस्कस कर रहे हैं. तो मिरर वर्ल्ड में चेसमैन है एक चेसमैन ऑब्लिवियस टू एलिस अपीयरेंस. जो चेसमैन है उसे पता ही नहीं है कि एलिस आ गई है इस वर्ल्ड में उसे एलिस की अपीयरेंस का पता ही नहीं होता है एलिस उसे इनविजिबल होती है. एलिस कम टू द एड ऑफ द व्हाइट क्वींस डॉटर लिली realizes the chess pieces cannot see her. तो देखो जो एलिस है वो वाइट क्वीन की डॉटर होती है लिली उसको बचाने के लिए चेस में आ जाती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि कोई भी चेस पीस एलिस को देख ही नहीं पा रहा है. दे कैन नॉट सी एलिस मतलब एलिस की अपीयरेंस को वो देख ही नहीं पा रहे हैं मतलब एलिस उन सबको इनविजिबल है. देन एलिस डिस्ट्रैक्टेड बाय अ बुक विच शी रीड्स अ नॉनसेंसिकल पोयम एंटाइटल्ड जबरवकी. सो देखो ये चेस का गेम इधर चल रहा था एंड देन जो एलिस सडनली है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है उस रूम में एक बुक रखी है उस बुक को देखकर. और ये बुक क्या है जैबरवकी. ये बुक के जो लेटर्स हैं ना वो भी उल्टे हो गए मतलब बेसिकली. और जब एलिस उस बुक को रीड करना स्टार्ट करती है तो एलिस फाइंड्स दैट बुक नॉनसेंसिकल. उस पोएम को एलिस क्या कहती है बहुत नॉनसेंस पोएम है इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है इसका कोई मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. तो इसीलिए एलिस उस पोएम को कहती है नॉनसेंसिकल पोएम. शी फ्रस्ट्रेटेड उसे बहुत गुस्सा आता है पोएम पढ़कर एंड शी सेट्स ऑफ टू एक्सप्लोर. उसके बाद वो उस रूम से बाहर आ जाती है बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए एंड शी स्पॉट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन. तो जैसे ही एलिस उस रूम से बाहर आती है मतलब मिरर वर्ल्ड में जो उसके रूम के जैसा एक रूम था उससे जब एलिस बाहर आती है तो उसे क्या दिखता है एक ब्यूटीफुल गार्डन. शी ट्राइज टू फॉलो द पाथ बट देखो एलिस जो है ना वो उस गार्डन तक जाना चाहती है. जब उसे वो गार्डन दिखता है तो वो सोचती है उस गार्डन तक जाने का और वो उस गार्डन तक जाने वाले रास्ते को फॉलो करती है. जैसे ही वो स्टार्ट करती है
वो चलती है थोड़ी दूर और दोबारा अपने आप को उसी स्टेज पर पाती है, उसी प्लेस पर पाती है जहाँ से वो स्टार्ट करती है। मतलब एलिस ने स्टार्ट किया रूम के एग्जिट डोर से गार्डन तक जाना, लेकिन जब एलिस गार्डन तक जाती है, कोशिश करती है जाने की, वो दोबारा पाती है कि वो दोबारा डोर पर ही है। मतलब यहाँ पर हमें पता लगा है कि मिरर वर्ल्ड में सब कुछ अपोजिट होता है, हम जाते हैं कहीं और दोबारा उसी स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सो एलिस कन्फ्यूज हो जाती है और वह चिल्लाती है। देन टाइगर लिली रिस्पोंड, अदर फ्लावर्स ऑल्सो ज्वाइन सम इंसल्ट एलिस। तो देखो एलिस बहुत कन्फ्यूज हो जाती है, उसे गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लग जाती है। देन गार्डन में टाइगर लिली जो होती है वो रिस्पॉन्ड करती है और जो कुछ फ्लावर्स होते हैं वो भी टाइगर लिली को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स जो होते हैं ना वो एलिस की इंसल्ट करते हैं, जैसे वायलेट, इस तरीके की डेजीज भी। डेजीज तो आई गेस चैंटिंग फ्लावर्स है, वो मैंने आप लोगों को ना मेन करेक्टर्स वाला जो है उसमें बताया, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। सो कुछ फ्लावर्स एलिस की इंसल्ट करते हैं। देन एलिस लर्न्स दैट रेड क्वीन इज़ नियर बाय। तो उसके बाद एलिस को रियलाइज़ होता है, मतलब टाइगर लिली बताती है उसको कि जो रेड क्वीन है वो पास में ही है। एंड देन एलिस मीट्स, उसके बाद एलिस मिलती है रेड क्वीन से और रेड क्वीन से एलिस बातें करती है, बोथ ऑफ देम कन्वर्स, वो दोनों आपस में बात करते हैं। एंड रेड क्वीन कॉन्स्टेंटली करेक्ट्स हर एटिक्वेट। देखो एटिक्वेट मतलब जो एलिस का बिहेवियर है, बात करने का ढंग है, रेड क्वीन बार बार उसको करेक्ट करती है। एलिस लुक्स ओवर अ फील्ड वेयर अ चेस गेम इज इन प्रोसेस एंड टेल्स द रेड क्वीन दैट शी वॉन्ट्स टू ज्वाइन दैट गेम। तो देखो गाइस, जब रेड क्वीन से एलिस बात करती है तो एलिस की निगाह पड़ती है वहाँ पर एक बहुत बड़े चेस बोर्ड पर, एक चेस की गेम चल रही थी और एलिस कहती है कि वो इस चेस को ज्वाइन करना चाहती है, चेस गेम को ज्वाइन करना चाहती है, ऐसा वो रेड क्वीन से कहती है। तो रेड क्वीन उसे क्या कहती है कि ठीक है, शी विल स्टैंड एज अ वाइट पॉन एंड मार्क्स फॉर एलिस विल बिकम क्वीन। की मतलब वो जो वाइट पॉन है ना, वाइट पॉन की जगह पर एलिस ही रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब चेस गेम में एलिस खुद एंटर नहीं कर सकती है, जो वाइट पॉन है वो एलिस की जगह पर ही चेस गेम में आगे बढ़ेगा और जब वो फाइनल स्क्वायर तक पहुंच जाएगा अगर वाइट पॉन, तो एलिस ही क्वीन बनेगी। देन एलिस फाइंड्स हरसेल्फ ऑन अ ट्रेन विद अ गॉड। तो देखो गाइस, वो जो सीन था ना पिछला जब वो रेड क्वीन के साथ थी, वो सडनली गायब हो जाता है और एलिस अब अपने आप को पाती है ट्रेन के अंदर। ट्रेन में उसको कौन कौन मिलता है, अ गॉट, अ बीटल एंड अ मैन ड्रेस्ड इन वाइट पेपर, ईच नैग एलिस अंटिल शी फाइंड्स हरसेल्फ इन द फॉरेस्ट। हर कोई एलिस का मजाक उड़ाते हैं, मतलब इस तरीके से एलिस से बहुत रूडली बात करते हैं ये सब जो भी उसके साथ होते हैं ना ट्रेन में ये सब। मतलब देखो गाइज, एक तो एलिस अचानक से रेड क्वीन से बात करते करते फॉरेस्ट वर्ल्ड में ट्रेन में आ जाती है, तो इस तरीके से बिकॉज वो मिरर वर्ल्ड में है, यहाँ के जो इंसिडेंट्स हैं वो उसके ड्रीम में चल रहे हैं। तो एलिस ट्रेन में इन सब के साथ ट्रैवल करती है एंड शी टॉक्स विद ग्नैट। ग्नैट जो है ना वो छोटे से छोटा इंसेक्ट बन सकता है और बड़े से बड़ा चिकन साइज तक हो सकता है। सो एलिस जो है वो ग्नैट से बात करती है एंड ग्नैट टेल्स हर अबाउट द इंसेक्ट्स। जो ग्नैट है वो एलिस को मिरर वर्ल्ड के इंसेक्ट्स के बारे में बताता है कि मिरर वर्ल्ड में कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, उन सबके नाम बताता है। एंड आफ्टर लर्निंग द नेम्स एंड सेट्स ऑफ एंड शी फाइंड्स दैट शी हैज़ फॉरगॉटन द नेम्स। तो जब ग्नैट उसे हर चीज़ के नाम बताता है, इंसेक्ट्स के नाम बताता है, तो एलिस उसके बाद ग्नैट से दूर हो जाती है, मतलब वो दूसरे एक तरीके से दूसरे प्लॉट में आ गई है। एंड देन एलिस उसके बाद सब चीज़ों के नाम भूल जाती है, शी फॉरगेट्स द नेम ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, इवन दो वो खुद का भी नाम भूल जाती है। और वो चलते चलते किससे मिलती है, फॉन से, और जो फॉन है वो भी सब चीज़ों के नाम भूल जाता है कि दोनों ही जंगल में घूमते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही सब चीज़ों के नाम भूल जाते हैं, इन दोनों की मेमोरी लॉस्ट हो जाती है एक तरीके से, ये हर चीज़ के नाम भूल जाते हैं। एंड व्हेन एमर्ज फ्रॉम द फॉरेस्ट देयर मेमोरीज कम बैक, जैसे ही फॉरेस्ट से बाहर आते हैं इनकी जो मेमोरीज है वो भी वापस आ जाती है। एंड फॉन्स रन्स अवे इन फियर ऑफ एलिस, जो फॉन है वो भागने लग जाता है एलिस के डर के कारण कि कहीं मतलब एलिस उसे कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। एंड देन एलिस फाइंड्स अलॉन एंड देन मिक्स ट्विडलीडी एंड ट्विडलीडम। सो गाइज देखो, उसके बाद वो भाग जाता है फोन, तो एलिस अपने आप को अकेला पाती है और उसके बाद वो किससे मिलती है, ट्विडलीडी एंड ट्विडलीडम। ये जो है एक आइडेंटिकल पेयर ऑफ हैवी सेट मैन, दो हैवी हैवी फैटी मैन हैं, उनसे एलिस मिलती है। ये दोनों पेयर है, एक ट्विडलीडी है, एक ट्विडलीडम है, दोनों बहुत हैवी हैवी है, ये पेयर है मैन का, ठीक है। ट्विडलीडी और ट्विडलीडम से एलिस मिलती है, पहले तो वो अकेली हो जाती है जब फोन भाग जाता है, उसके बाद वो इनसे मिलती हैं एंड दे इग्नोर एलिस रिक्वेस्ट फॉर डायरेक्शन एंड रिसाइट अ पोयम। ट्विडलीडी और ट्विडलीडम दोनों से ही एलिस जो है वो रास्ता पूछती है और ये दोनों ही एलिस को रास्ता बताने के बजाय एक पोयम रिसाइट करने लग जाते हैं। एलिस की जो रिक्वेस्ट थी उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते और ये पोयम रिसाइट करते हैं। एंड दे नोटिस दैट रेड किंग इज स्लीपिंग नियर बाय,
फिगमेंट्स ऑफ किंग्स ड्रीम। सो गाइज देखो, ये अपने ऐसे पोएम रिसाइट करने लग जाते हैं, एलिस की अपीयरेंस को नोटिस ही नहीं करते हैं, एलिस की रिक्वेस्ट को भी इग्नोर कर देते हैं, और उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि जो रेड किंग है, रेड किंग यहाँ पर इस नॉवल में स्लीपिंग किंग है, हर वक्त वो सोता रहता है। तो रेड किंग यहाँ पर सो रहा था, और ये ट्विडली डी और ट्विडली डम दोनों क्या सोचते हैं कि एलिस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, रियल में एलिस है ही नहीं, वो तो शायद रेड किंग के ड्रीम में एग्जिस्ट करती है, कि रेड किंग कोई ड्रीम देख रही है जिसमें एलिस है, उसमें एग्जिस्ट करती है, सच में इसकी कोई अपीयरेंस नहीं है, ये सच में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा ट्विडली डी और ट्विडली डम सोचते हैं। देन एलिस फाइंड्स इट्स नॉनसेंस, एलिस को सुनकर बहुत गुस्सा आता है, शी फाइंड्स इट नॉनसेंस एंड दे आर फाइटिंग, अजेंट क्रो स्वूप्स डाउन एंड स्टार्ट रनिंग। सो गाइज देखो, ये दोनों लड़ने लग जाते हैं, एलिस इनकी बातों को नॉनसेंस कहती है, और उसके बाद ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद एक क्रो आता है, जेंट क्रो, थोड़ा बड़ा से साइज का क्रो आता है, एंड स्वूप्स डाउन, वो नीचे की तरफ ऐसे झपटा मारता है, एंड स्टार्ट्स रनिंग। उसके बाद ये ट्विडली डम और ट्विडली डी दोनों ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज एलिस स्लिप्स अवे एंड काउंटर वाइट क्वीन, तो देखो एलिस वहाँ से फिसल जाती है, और वो फिसलते फिसलते कहाँ पहुँचती है, किससे मिलती है वो, व्हाइट क्वीन से। ट्विडली डी और ट्विडली डम जो है ना, दोनों क्रो के आने के बाद भागने लग जाते हैं, क्योंकि जो क्रो था वो नीचे एक तरीके से झपट्टा मारता है, पूरा झपट्टा मारता है, जिससे ये दोनों भागने लग जाते हैं, और एलिस फिसल कर गिर जाती है, और वो किससे मिलती है, व्हाइट क्वीन से। व्हाइट क्वीन एक्सप्लेन्स टाइम मूव्स बैकवर्ड इन द लुकिंग ग्लास वर्ल्ड, व्हाइट क्वीन उसको एक्सप्लेन करती है जो भी लुकिंग ग्लास की वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी, व्हाइट क्वीन ही उसे बताती है कि लुकिंग ग्लास वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लुकिंग ग्लास वर्ल्ड में जो टाइम है वो बैकवर्ड में चलता है, सीधे नहीं चलता, उल्टा वापस चलता है, कि मतलब अगर किसी की उंगली कट जाए तो उसके साथ क्या होगा, पहले तो वो अपनी फिंगर को प्लास्टर करेगा, पहले उस पर बैंडेज वगैरह लगाएगा, एंड देन वो चिल्लाएगा, ठीक है, और उसके बाद उसके हाथ पर कोई पिन या फिर कोई ब्रॉच चुभेगा। मतलब हमारे साथ क्या होता है, पहले कोई पिन वगैरह चुभ जाती है, फिर हम चिल्लाते हैं, उसके बाद हम उस पर पट्टी वगैरह करते हैं, लेकिन लुकिंग ग्लास वर्ल्ड में क्या होता है, पहले उस पर पट्टी करनी है, फिर चिल्लाना, और फिर हमें कोई चीज़ चुभेगी, इस तरीके से होता है, मतलब टाइम बैकवर्ड में मूव करता है। एंड देन शी ट्रांसफॉर्म्स अ शॉपकीपर इंटू अ शीप, सो देखो एलिस को ये सारी बातें एक्सप्लेन करती है व्हाइट क्वीन, और वो एक शॉपकीपर को शीप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि जो ये शॉपकीपर था ये बहुत रूडली बात करता है, इसीलिए व्हाइट क्वीन उसको शीप में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, एंड आस्क एलिस व्हाट शी वुड लाइक टू बाय, और बोलती है एलिस को कि तुम इस शॉप में से क्या खरीदना चाहती हो। सो गाइस एलिस शॉप के अंदर देखती है चीज़ें, वो किसी एक चीज़ पर तो अपनी निगाह टिका नहीं पाती, और उसके बाद सडनली वो क्या पाती है, शी फाइंड्स हरसेल्फ इन अ बॉट विद द शीप, वो इस शॉपकीपर के साथ, मतलब शॉपकीपर को व्हाइट क्वीन ने शीप में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो इस शीप के साथ जो एलिस है वो अपने आप को एक बोट में पाती है, एंड बोट क्रैशेस एंड सेंड्स एलिस ट्रम्बलिंग टू द ग्राउंड, तो एलिस को क्या लगता है कि बोट जो है वो क्रैश हो गई है, और जो एलिस है वो ग्राउंड की तरफ नीचे नीचे जा रही है, तो ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ही जो एलिस है वो पाती है कि वो दोबारा से शॉप में वापस आ गई है, कि मतलब क्या होता है, शॉप में जब वो चीज़ें देख रही होती है, जब व्हाइट क्वीन उसे बोलती है कि तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो, देन सडनली उसे लगता है कि वो शीप के साथ, मतलब शॉपकीपर के साथ एक बोट में बैठी है, और अचानक से बोट क्रैश हो गई, और एलिस जाकर नीचे डूबने लग जाती है, ट्रैम्पलिंग, सो गाइस देखो क्या होता है ना, जब एलिस शॉप में होती है तो व्हाइट क्वीन उसको ये प्लॉट जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ एक ही चीज़ को। देखो जो एलिस है ना, वो जब शॉप में होती है तो व्हाइट क्वीन शॉपकीपर को शीप में ट्रांसफॉर्म कर देती है, और जब एलिस शॉप में से कुछ खरीदने का सोचती ही है, देन सडनली वो पाती है कि वो शॉपकीपर के साथ, मतलब शीप के साथ एक बॉट में ट्रैवल कर रही है, और अचानक से उनकी बोट जो है वो क्रैश हो जाती है, टूट जाती है, और एलिस जो है वो डूबते डूबते ग्राउंड की तरफ जाने लग जाती है। ग्राउंड पर उसके पैर जैसे ही टिकने वाले होते हैं, वो पाती है कि वो दोबारा से शॉप में आ गई है। शी फाइंड्स हरसेल्फ बैक इन द शॉप, परचेजेस एन एग, तो एलिस पाती है कि वो शॉप में वापस आ गई है, और वो यहाँ पर शॉप में हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखती है, एंड देन वो डिसाइड करती है एक एग परचेज करने का। रीचेज द एग, फाइंड्स हरसेल्फ इन द फॉरेस्ट अगेन, वेयर एन एग हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हम्प्टी डम्प्टी। सो देखो शॉप में से एलिस परचेज करती है एग, और वो जैसे ही एग के नज़दीक जाती है, वो दोबारा से पाती है अपने आप को कि वो फॉरेस्ट में पहुंच गई है। देखो यहाँ के जो प्लॉट है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी, मतलब चेंज हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, कभी एलिस कहीं पहुंच जाते हैं, कभी एलिस कहीं पहुंच जाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है।
तो इसीलिए इसको चिल्ड्रन लिटरेचर के अंडर कंसीडर किया जाता है। सो एलिस अचानक से अपने आप को पाती है कि वो शॉप से सीधे दोबारा फॉरेस्ट में पहुंच गई, और फॉरेस्ट में जो एग है ना वो एग ट्रांसफॉर्म हो गया हम्प्टी डम्प्टी में। हम्प्टी डम्प्टी हमने नर्सरी में एक पोएम भी पढ़ी थी ना, सो हम्प्टी डम्प्टी में ये एग ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड हम्प्टी डम्प्टी सिट्स ऑन अ वॉल एंड क्रिटिसाइजेज एलिस फॉर हैविंग सच अ नेम, मीनिंगलेस नेम, ऑल नेम्स मीन्स समथिंग। सो देखो जो हम्प्टी डम्प्टी है, जब एलिस फॉरेस्ट में अपने आप को पाती है, एग ट्रांसफॉर्म हो गया हम्प्टी डम्प्टी में, और हम्प्टी डम्प्टी हमने पोएम पढ़ी है, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। और सिमिलरली यहाँ पर होता है कि जो हम्प्टी डम्प्टी है वो सच में ही एक वॉल के ऊपर बैठ जाता है, और वो एलिस को क्रिटिसाइज करता है कि एलिस का ऐसा नेम है जिस नेम का कोई मतलब ही नहीं है, सच अ मीनिंगलेस नेम शी हैज़, कि उसका नाम कैसा मीनिंगलेस है जिस नाम का कोई मतलब ही नहीं है। हम्प्टी डम्प्टी उसे कहता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है, हर नेम का कोई ना कोई मीनिंग होता है। एंड ही ट्रीट्स एलिस वेरी रूडली, वो एलिस को बहुत ही रूडली ट्रीट करता है, एंड सेज कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और क्या कहता है कि वो किसी भी वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकता है। एलिस आस्क हिम टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द नॉनसेंसिकल पोएम जैबरवॉकी। सो एलिस उसे क्या बोलते हैं, ठीक है अगर तुम्हें इतना ही पता है ना हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेम होता है, तो चलो मुझे जैबरवॉकी जो पोएम है उसका मीनिंग एक्सप्लेन करो। एंड देन जो हम्प्टी डम्प्टी है रिसाइट्स द फर्स्ट स्टांजा एंड बिड्स गुड बाय। तो हम्प्टी डम्प्टी फर्स्ट स्टांजा तो कैसे ना कैसे रिसाइट कर देता है, गलत गलत बोलता है सब कुछ, हर चीज़ जो उसके मन में आता है वो वर्ड बोल देता है, एंड देन बिड्स गुड बाय, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। एलिस अनॉयड, एलिस को बहुत गुस्सा आता है जब हम्प्टी डम्प्टी पूरी पोएम का एक्सप्लेन किए बिना चला जाता है। एंड अ लाउड क्रैश शेक्स द फॉरेस्ट एंड शी वॉचेस सोल्जर्स एंड हॉर्समैन रन बाय। सो गाइस देखो एलिस को बहुत गुस्सा आता है कि जो हम्प्टी डम्प्टी वहाँ से भाग गया, सो अचानक से जो फॉरेस्ट है उसमें मतलब बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं, एंड देन एलिस देखती है सोल्जर्स को और हॉर्समैन को कि फॉरेस्ट में से कुछ सोल्जर्स और हॉर्समैन जो है वो भाग भाग कर जा रहे हैं। देन एलिस कम्स अक्रॉस द वाइट किंग हु टेल्स ही हैज सेंट ऑल ऑफ हिज हॉर्सेस एंड मेन टू पुट द शैटर्ड हम्प्टी डम्प्टी बैक टुगेदर। देखो गाइस जो एलिस है हम्प्टी डम्प्टी के जाने के बाद जब ये सारी चीज़ें देखते हैं कि फॉरेस्ट में सोल्जर्स आए हैं हॉर्समैन आए हैं, देन अचानक से एलिस पाती है कि वो किसकी कंपनी में आ गई है, वाइट किंग की, कि वो वाइट किंग से बात करती है और वाइट किंग उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने अपने सारे हॉर्सेस और जो भी सोल्जर्स हैं हॉर्समैन हैं उन सबको भेज दिया है। जो हम्प्टी डम्प्टी है ना वो टूट गया है, शैटर हो गया, टूट गया है, उसको दोबारा से जोड़ने के लिए वाइट किंग ने अपने सारे हॉर्समैन सोल्जर्स भेज दिए ताकि उसे दोबारा से जोड़ा जा सके। एंड देन हैगा किंग्स मैसेंजर इन्फॉर्म्स दैट द लायन एंड द यूनिकॉर्न डूइंग बैटल इन द टाउन। सो गाइस इसके बाद आता है ये हैगा। हैगा जो है ना ये किंग का मैसेंजर है, ये एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड जो नॉवल है ना उसमें भी था ये यही करेक्टर, इसका नेम वहाँ पर आई गेस कुछ डिफरेंट था। तो हम थ्रू द लुकिंग ग्लास का डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो हैगा है ये किंग का मैसेंजर होता है जो किंग को इन्फॉर्म करता है कि जो लायन है और जो यूनिकॉर्न है वो आपस में बैटल कर रहे हैं, टाउन में लड़ाई कर रहे हैं, एंड एलिस सेट्स ऑफ विद हिम टू वॉच द बैटल। तो एलिस जो है वो वाइट किंग के साथ बैटल देखने के लिए आ जाती है टाउन में। देन हैटा एंटर्स, हैटा जो है वो किंग का दूसरा मैसेंजर है, एंड ही एक्सप्लेन्स अबाउट द इवेंट्स, वो जो भी बैटल के टाइम पर इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें एक्सप्लेन करता है किंग को। हैटा जो है वो किंग का दूसरा मैसेंजर है वाइट किंग का, और वो सारे इंसिडेंट्स एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से लायन और यूनिकॉर्न बैटल कर रहे थे। एंड गाइस देन बैटल स्टॉप्स, रिफ्रेशमेंट्स सर्व, उसके बाद जो बैटल है वो ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, और जो भी रिफ्रेशमेंट्स थे वो सर्व करवा दिए जाते हैं। देन वाइट किंग आस्क एलिस टू कट द केक, बट एवरी टाइम शी स्लाइस द केक पीसेस फ्यूज बैक टुगेदर। सो गाइस देखो उसके बाद जो वाइट किंग है वो एलिस को केक कट करने के लिए बोलते हैं, और जैसे ही एलिस केक कट करती है, हर टाइम जैसे ही वो केक कट करती है, स्लाइस करती है, वो केक दोबारा से जुड़ जाता है। जैसे ही उसने एक स्लाइस बनाई, एक स्लाइस कट की, वो स्लाइस दोबारा से केक में जाकर मिल जाती है। यस, ये लुकिंग ग्लास वर्ल्ड में ऐसा ही अपोजिट चीज़ें होती हैं, ये हमें पता लग रहा है। सो दोबारा से केक जुड़ जाता है, एंड देन यूनिकॉर्न इंस्ट्रक्ट्स केक मस्ट बी पास्ड अराउंड फर्स्ट बिफोर दे आर स्लाइस्ड। तो उसके बाद यूनिकॉर्न क्या कहता है एलिस को कि केक को स्लाइस करने से पहले, केक को कट करने से पहले उसको सर्व किया जाए, एंड देन उसको कट किया जाए तो वो कट हो जाएगा। सो इस तरीके से एलिस डिस्ट्रीब्यूट्स द केक, एलिस केक बांट देती है, एंड बिफोर दे ईट ग्रेट नॉइस इंटरप्ट्स। सो केक सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे ही वो खाना स्टार्ट करते हैं एक बहुत तेज आवाज़ आती है, अ ग्रेट नॉइस इंटरप्ट्स, एंड एलिस फाइंड्स हरसेल्फ अलोन। और एलिस जो है वो अपने आप को अकेला पाती है दोबारा से, क्या तो वो केक खाना स्टार्ट करने वाले होते हैं, एलिस दोबारा से प्लॉट चेंज करके कहीं और पहुंच गई है, ठीक है। एलिस अपने आप को पाती है कि वो अकेले है दोबारा, और जो रेड नाइट है ये बहुत बेकार बंदा है,
रेड नाइट टेक्स हर एज अ प्रिजनर, रेड नाइट उसे कैदी बना लेता है। तब आप लोगों ने देखा कि जो प्लॉट है वो कितनी जल्दी चेंज होता है, क्या तो एलिस केक खाने वाली होती है और क्या अब वो रेड नाइट की कैद में आ गई है। एंड देन रेड नाइट अराइव्स एट एलिस साइड एंड वैंक्विशेस द रेड नाइट। सो गाइस उसके बाद जो व्हाइट नाइट है वो आता है और वो रेड नाइट से फाइट करता है और एलिस की साइड वो होता है व्हाइट नाइट। व्हाइट नाइट एलिस की साइड से लड़ता है और वो रेड नाइट को हरा देता है। एलिस एंड व्हाइट नाइट वॉक एंड टॉक टुगेदर। उसके बाद देखो जो व्हाइट नाइट है वो जीत जाता है बिकॉज रेड नाइट को उन्होंने हरा दिया है और जो एलिस है उसको उसकी कैद से छुड़वा लिया है। तो अब उसके बाद एलिस और व्हाइट नाइट दोनों चलते हैं बात करते करते दोनों एक साथ। एंड एलिस फाइंड्स अ फ्रेंड इन द एसेंट्रिक चेसमैन, ही प्रोमिसेस टू ब्रिंग हर सेफली टू द लास्ट स्क्वेयर। सो जो ये व्हाइट नाइट है ना, ये एलिस को प्रॉमिस करता है कि ये एलिस को सेफली लास्ट स्क्वेयर तक पहुंचाएगा। तो ये उसका फ्रेंड बन गया है चेस गेम में और ये प्रॉमिस करता है कि लास्ट स्क्वेयर तक एलिस ही पहुंचेगी और वही क्वीन बनेगी। एंड देन एलिस क्रॉसेस द फाइनल ब्रूक एंड शी फाइंड्स हरसेल्फ सिटिंग विद अ क्राउन ऑन हर हेड। सो देखो जो व्हाइट पॉन होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है एलिस को चेस गेम में और वो सेफली फाइनल स्क्वेयर तक पहुंच जाती है। और फाइनल स्क्वेयर पर पहुंचने के बाद किसे क्वीन बनना है? एलिस को। तो फाइनल स्क्वेयर पर पॉन पहुंच जाती है व्हाइट पॉन, उसके बाद एलिस बनती है क्वीन। एलिस अपने आप को पाती है कि वो एक चेयर पर बैठी है और उसके सर पर एक क्राउन लगा हुआ है। एलिस फाइंड्स हरसेल्फ इन द कंपनी ऑफ व्हाइट क्वीन एंड रेड क्वीन क्वेश्चंस हर रिलेंटलेसली बिफोर फॉलिंग अस्लीप। उसके बाद जो एलिस है वो पाती है अपने आप को रेड क्वीन की और व्हाइट क्वीन की कंपनी में, कि जो एलिस है वो व्हाइट क्वीन की और रेड क्वीन की कंपनी में आ गई है। इन दोनों के साथ वो बातें कर रही है और बोथ ऑफ दीज क्वीन्स, मतलब ये दोनों ही व्हाइट क्वीन भी और रेड क्वीन भी, दोनों ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती रहती है एलिस से, बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछती है जब तक वो सो नहीं जाती है। मतलब व्हाइट क्वीन और रेड क्वीन एलिस से तब तक क्वेश्चंस पूछती है तब तक उन दोनों को नींद नहीं आ जाती, बार बार वो एलिस से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं। एंड द साउंड ऑफ दिस स्नोरिंग रिजेंबल्स म्यूजिक। सो देखो ये दोनों रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन जो है एलिस से क्वेश्चंस पूछते पूछते सो जाती हैं और ये मारती हैं खराटे। इनके खराटे मारने की आवाज़ से एक म्यूजिक बन जाता है एंड दिस म्यूजिक जो है ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है एंड शी डज नॉट नोटिस द क्वीन्स डिसअपियरेंस। मतलब ये नॉइस इतनी डिस्ट्रैक्टिंग होती है कि जो एलिस है वो इन दोनों क्वींस की डिसअपियरेंस को नोटिस ही नहीं कर पाती है। एंड देन एलिस डिस्कवर्स अ कासल विद अ ह्यूज डोर मार्क्ड क्वीन एलिस। उसके बाद जो एलिस है वो पाती है अपने आप को एक कासल के बाहर और उस कासल का एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है क्वीन एलिस अ ह्यूज बैंकेट इन हर ऑनर। देखो जो एलिस है वो अब क्वीन बन गई है तो इसी की ऑनर में एक बैंकेट रखा गया है और डोर के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है क्वीन एलिस। एलिस सिट्स एंड बिगिंस ईटिंग। जो एलिस है उन सबके साथ बैठ जाती है और उनके साथ खाना खाना स्टार्ट करती है। पार्टी डेवलप्स इनटू टोटल कैओस। पहले तो पार्टी बहुत नॉर्मल चलती है लेकिन उसके बाद जो पार्टी है वो टोटल कैओस, मतलब अफरा तफरी में बदल जाती है। एलिस पुल्स अवे द टेबल क्लॉथ एंड ग्रैब द रेड क्वीन। एलिस जो है वो टेबल क्लॉथ को पूरा इस तरीके से उठाकर फेंक देती है, पलट देती है और वो रेड क्वीन को पकड़ लेती है। एंड देन एलिस सडनली वेक्स अप फ्रॉम हर ड्रीम एंड फाइंड हर सेल्फ होल्डिंग किटी। सो देखो उसके बाद जो एलिस है वो अचानक से उठती है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसका ड्रीम था, वो एक ड्रीम देख रही थी और असल में तो उसने अपनी गोद में एक अपनी पेट किटी को पकड़ रखा था। सो शी वंडर्स वेदर और नॉट हर एडवेंचर्स वर हर ऑन ड्रीम और द ड्रीम ऑफ रेड किंग। सो एलिस वंडर्स, मतलब वो सोचती है कि जो ये एडवेंचर्स उसने अपने सपने में देखे क्या ये खुद के सपने थे उसके या रेड किंग के सपने थे। मतलब एलिस ने ये सपना देखा, जो भी यहाँ पर फटाफट से प्लॉट चेंज हो गए, कभी एलिस फॉरेस्ट में है, कभी वो बोट में है, कभी वो समुद्र में मतलब नदी में जाकर डूबने वाली होती है, कभी शीप के साथ है, इस तरीके से प्लॉट चेंज हुए हैं। तो एलिस सोचते हैं कि जो ये एडवेंचर उसने किए ये सब एडवेंचर्स उसके खुद के ड्रीम के हैं या रेड किंग के ड्रीम में एग्जिस्ट करते थे। सो गाइज इन दिस विद दिस नॉवल एंड्स। इस तरीके से ये नॉवल एंड हो जाती है। जो नॉवल है ना ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, आप लोग समझ ही नहीं पाते हो मतलब कब जाकर कौन सा सीन आ जाता है, कब कौन सा प्लॉट आ जाता है। एंड आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड इफ़ यू गाइज वांट कि मैं इसकी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दूँ तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस चैप्टर वाइज ऑल्सो बिकॉज इसके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो गाइज उससे आई होप आपको क्लियर हो जाए। एंड मैंने यहाँ पर भी बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों को प्लॉट अच्छे से क्लियर कर दूँ। अब भी आप लोगों के कोई भी डाउट है ना तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स या तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं।
साथ ही साथ आप लोग अब मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं तीनों ही चीज़ों के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज डू फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।